ये भी सही बन गया ना, ये आधा टूट गया आधा गिरे, क्योंकि अंधेरे है ना, अंधेरे में भी सही आ रहा था। अच्छा, हमारे शेफ हैं, ये हमारे प्रोफेशनल शेफ हैं। देखिए, और हम सबकी तरफ से ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ, अपनी सिस्टर से और अपनी भांजी से मिलवाती हूँ, ठीक है। और हम जो है ना सारे हैं नकाब पोश फैमिली। ये है मेरी भांजी, ठीक है, और इसका भी जो है ना चैनल है, मैं चैनल का नाम बताओ जरा। सीक्रेट व्लॉगर। सीक्रेट व्लॉगर, ठीक है। आपने लाइक शेयर लाजमी करना है और इसके चैनल पे जाना। और ये है मेरा कमला सा शहजादा, और वो है मेरा क्यूट सा भांजा, और ये है मेरी छोटी सिस्टर जो बहुत ही प्यारी है मेरी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है मेरी शरीफ सी बीबी, शरीफा बीबी, ये मेरी बेटी नाबिया बीबी, और ये है मेरी भांजी। वह सुबह 5:30 बजे उठ गए थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना था, क्योंकि ईद उल अज़हा की जो है ना नमाज जल्दी हो जाती है, तो वह 5:30 बजे उठ गए थे। वो रेडी शेडी होकर 6 बजे तक जो है ना चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और फिर जो है ना वहाँ से वापसी पे आते हुए ले आए थे पूरियाँ, चने थे, हलवा था, ये ले आए थे। हमने जो है ना फिर सुबह सुबह नाश्ता किया, बच्चे तो अभी सो रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत लेट सोए थे, तो बच्चे भी तकरीबन 4:00 बजे जाके सोए हैं, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने यान को नहीं उठाया था कि चलो वो सोए रहे। और हमने जो है ना नाश्ता किया, नाश्ता करते ही जो है ना हमारे कसाई आ गए थे, माशाल्लाह जल्दी आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, और आप सब लोगों को जो है ना मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये है मेरी छोटी सी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस ने भी आप लोगों को ईद मुबारक कहनी है। खड़ी होकर दिखाया जरा, नाबी इतनी प्यारी लग रही थी, नाबी की सबने इतनी ज्यादा तारीफ की है ना, नाबी की ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था। और आज जो है ना कल फर्स्ट डे था, इतना ज्यादा मैं थकी हुई थी, पहले तो जो है ना मैं चादर पूरा सोई नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं मैं सोई, क्योंकि ऊपर जो है ना बकरे बांधे हुए थे, तो एक बकरा जो है ना वो बार बार खुल जाता था, तो मुझे ये था कि कहीं वो जो है ना तो साथ वालों की दीवार वगैरह ना फलांग ले, तो इसलिए जो ना मुझे टेंशन में ना सारी रात नींद नहीं आई, मैं कभी ऊपर जाऊँ कभी नीचे आऊँ, मैं इतना ज्यादा थकी थी पूरी रात एक सेकंड नहीं सोई। उसके बाद सुबह हुई है, तो सुबह होते ही जो है ना कसाई आ गए थे, फिर गोश्त कटिंग हुआ, फिर यान और वैज गए गोश्त तकसीम करने चले गए, फिर मैंने खाना बनाया। उसके बाद जो है ना एक हमारे फैमिली फ्रेंड है वो आ गए, उनकी फैमिली थी साथ, तो वो जो है ना मेरा सारा दिन ऐसे ही कल गुजर गया। और उसके बाद जो है मैं इतना ज्यादा थक गई थी, रात को तैयार शहर हुए, मैं शाम को जाके जो है ना मैं तैयार हुई, और तैयार शहर हुई और तैयार होकर मैं सो गई, बच्चों को खाना खिलाया और मैं सो गई। फिर मैं ऐसी सोई ऐसी सोई, मुझे सभी उठाते रहे उठाते रहे, यहाँ नवैस के चले उठे, जाना है मैंने अपने ससुराल जाना था, सब मुझे उठा उठा के रह गए, लेकिन मैं नहीं उठी, मैं ऐसी सोई कि मैं नेक्स्ट डे ना आज सेकंड डे है तो मैं आज जाके उठी हूँ, आज जो है ना सुबह जाके 7 बजे मैं उठी, तो इसलिए जो है ना फिर कोई कहीं गए भी नहीं। और फिर शाम हुई है तो मेरे भाई भाभी आ गए, फिर उसके बाद जो है मेरी सास, मेरी देवरानी है, मेरे देवर है, वो आ गए। आज हमने बारबेक्यू रखा हुआ था, मेरी छोटी सिस्टर आ गई अपनी फैमिली के साथ, फिर हम सब ने मिलके जो है ना तीसरी छत पे गए, वहाँ पे हमने किया बारबेक्यू किया, इतना मजा आया, सब इकट्ठे हुए थे, बहुत मजा आया। तो आज जो है ना मैं आपके साथ 2 दिन की वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना 3 दिन की वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन मैं अकेली हूँ और मैं मुझे हर तरफ देखना पड़ता है, तो ऊपर से जो है ना 3-4 दिन में पॉलर में भी लगी रही, तो इतना ज़्यादा मैं थक गई थी बस, फिर जो है ना मुझसे कोई काम नहीं हुआ और ना ही मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो शूट की। हाँ, क्या खाया पिया वो आपके साथ जो है ना लाजमी शेयर करूँगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि जो है ना 2 दिन मैंने क्या क्या किया और हमारी ईद कैसे गुजरी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। देखिए जी मेरे शहजादा कितना प्यारा लगा है, और मेरे शहजादा कर रहा है ये देखो नान, ये क्या कहते हैं पूरियाँ, हलवा, चने हैं, और ये देखिए जी अवैध साहब ने कितने बड़े शॉपर बनवाए हैं गोश्त के लिए, ये देखें, अरे अरे फुल जा, ये देखिए माशाल्लाह ऊपर लिखा हुआ इसके एक भी जहाँ, ठीक है, ये देखिए कितने प्यारे शॉपर है ना, सेम ही है ना दोनों सारे, कितने सारे शॉपर हैं जी, हमने शॉपर भी स्पेशल बनवाए हैं देख लें। वैसे ये क्या है, अच्छा
ये देखे जी एक्सपर्ट है मेरे हस्बैंड जी बारबेक्यू, ये देखे सुबह उठे हैं नमाज पढ़े हैं, जाके तैयार शेयर होके नमाज पढ़ के आए हैं, और अब देखे जी गोश्त करवा के मेरे पति देव का ये हाल हुआ है बेचारा, खुद गया ऐसे बनाया जैसे दोनों बकरे मेरे हस्बैंड ने खुद किए हैं। ये तीन पोटियां लेके हर साल जो है ना मैं ईद पे खीर पकाती हूँ या फिर जो है ना मैं फ्रूट ट्राइफल या कस्टर्ड क्रैब बना लेती हूँ, तो इस दफ़ा देखे मैंने सेवैयाँ बनाई हैं, माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती है, बड़ा ही अच्छा गुजर गया, बड़े अच्छे बाद मैंने सेवैयाँ बनाई हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने बनाई है कलेजी, इतनी मज़े की बनी है, ये कलेजी थी और गुड़े थे, ये देखिए माशाल्लाह। और ये मेरे हस्बैंड जी बेचारे देखिए क्या बने हुए हैं, सारा दिन काम कर करके बुरा हाल हो गया। ये देखिए जी मैं शहजादा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यार कोई हाल नहीं, नबी नबी खड़े होकर दिखाए जरा, नबी कितनी प्यारी लग रही है, नबी का दुपट्टा कहाँ गया, ये देखो ये नबी की आंटी सिलाई करके लाई थी सूट, कितना प्यारा लग रहा है ना, और नबी के जो है ना मैंने बाल भी कटिंग कर दिए, बाल तो सही कर लो नबी यार, ऐसे इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए जी हम खाना खाने लगे, मैंने कोरमा बनाया माशाल्लाह, कितने मजे का लग रहा है, ये देखे मैं तो तब से खीरे खाई जा रहा हूँ, तो खाओ ना, ये मैंने सुबह से जो है ना खाना बनाया, मैं जा रहा है मेरे बच्चों ने अभी तक चेक भी किया हो, और मैं तो ना खीरे कटिंग कर लिए, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मेहमान आए हुए थे तो अभी गए हैं मेहमान, मैं ऊपर से काम कर करके थकी हुई हूँ, अब तो ना मैंने खाना खाना और सो जाना बस। हाँ जी आज माशाल्लाह सारे मेरे मैके वाले ससुराल वाले आए हुए हैं, और हम कर रहे हैं बाहर भी क्यों, कितनी शदीद गर्मी है, ये देखो जी हमारे कबाब फर्स्ट टाइम हमने बनाए हैं, कुछ टूट गए बेचारे कुछ ठीक हो गए, ये अच्छा बना, ये भी सही बन गया ना, ये आधा टूट गया आधा गिरे, और देखिए मेरे शेफ माशाल्लाह, इधर शेफ साहब इधर देखिएगा इधर, हम इधर जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो हमने जो है ना ये पहली हमारी बकराईद थी इस घर में, तो हमने सोचा था कि इंशाल्लाह बकराईद पे जो है ना सबको इकट्ठा करेंगे, सब आएंगे और सब मिलके जो है ना बारबेक्यू करेंगे, तो इतना ज़्यादा सच्ची मज़ा आया माशाल्लाह, सब आए और हम सब ने मिलके बारबेक्यू किया, फर्स्ट टाइम कर रहे थे, मेरे देवर था और अवैस थे दोनों जो है ना कोयले, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जलाए, ऊपर जो है ना बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी माशाल्लाह, और ये अवैस साहब जो कभी आज तक चूल्हे के पास नहीं गए तो आज खड़े होकर बारबेक्यू कर रहे थे, और माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे, सब ने इतनी तारीफ़ की और बड़ी मेहनत की, मेरे देवर ने और वैस ने जो है ना दोनों ने मिलके बड़ी मेहनत की, और सब माशाल्लाह इकट्ठे हुए थे, इतना मज़ा आया, सब ने इतना एंजॉय किया, और ये ईद का सेकंड डे है, फर्स्ट डे तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये देखे माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे, हमने टिक्के भी बनाए थे, फिर हमने सीख कबाब भी बनाए थे, सीख कबाब जो है ना हमारे वो ज़रा थोड़े से टूट गए थे, लेकिन ये है कि वो भी बहुत मज़े के माशाल्लाह बने थे, और मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी, उसकी फैमिली थी, और मेरी सास थी, मेरे देवर और देवरानी थे, और एक ही देवर है मेरा और एक ही नंद है, नंद जो है वो बाहर रहती है इंग्लैंड में रहती है, तो हम सब इकट्ठे हुए इतना मज़ा आया, बैठे रहे बातें करते रहे, और फिर तकरीबन सुबह जाके जो है ना 3 बजे 4 बजे सब लोग गए, और हम जो है ना इतना ज़्यादा फिर थक गए थे, हमने चाय वगैरह पी, केक शेक खाया, और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बहुत इंजॉय किया, और मेरा सेकेंड डे बहुत अच्छा माशाल्लाह गुजरा, बच्चों ने भी जो है ना बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। और ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को लाजमी शेयर करिएगा, और इंशाल्लाह जो है ना कल थर्ड डे है तो वो आपके साथ सारा व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और ऐसे ही जो है ना हमारे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।